हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम हाउस डिज़ाइन में। आज हमने, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है जो कि 24 फिट बाई 40 फिट में डिज़ाइन किया हुआ है। ये सामने हमारी जो है फ्रंट पार्किंग और यहीं से हमने स्टेयर जो है डिज़ाइन किया हुआ है। ये हमारा एक बेडरूम रहेगा और जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये भी हमने एक बेडरूम ऊपर सेम डिज़ाइन किया हुआ है और ये सामने हमारी ममटी रहेगी। तो हमने काफ़ी अच्छा फ्रंट एलिवेशन आपके लिए तैयार किया है। अभी वीडियो को लास्ट तक तो ज़रूर देखें क्योंकि अभी इसमें हम इसके 2D प्लान और इसके डोर विंडो, इसमें कितनी लागत आएगी, इसकी सारी डिटेल आपको देंगे। अभी हम प्लॉट की बात करें तो हमने ये जो आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 24 फिट बाई 40 फिट में हमने इस डिज़ाइन किया हुआ है, जिसका बिल्डअप एरिया हमारा 960 स्क्वेयर फीट रहेगा और 100 जो कि 106.67 स्क्वेयर यार्ड के बराबर है। ये सामने से हमारा जो है रोड गया हुआ है। ये हमने 3 BHK डिज़ाइन किया हुआ है और 1 बेडरूम हमने ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें 3 बेडरूम प्लस अलमीरा, लॉबी, लिविंग रूम, किचन, स्टेयर केस इनर साइड में रहेगा, बाथरूम और इसमें पार्किंग हमें इसमें मिल जाएगी। अभी हम फ्रंट की बात करें तो ये 24 फीट हमारा फ्रंट रहेगा। जो ये आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी रहेगी जो कि 3.5 फीट हमने ली हुई है और 40 फीट ये हमारी प्लॉट की गहराई रहेगी। यहाँ से हमारी मेन एंट्रेंस रहेगी घर में और ये सामने हमने जो है एलिवेशन के लिए विंडो दी हुई है। यहाँ से हम जो है ऊपर छत पे जाने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करेंगे। स्टेयर का जो हमारा साइज रहेगा ये 9 फिट 9 इंच बाई 11 फिट का रहेगा, जिसमें हमने स्टेयर की विड्थ 3 फिट ली है। थ्रेड हमारा जो है 10 इंच का रहेगा और राइजर हमारा 7 इंच का रहेगा। इसी के लेफ्ट साइड में हमने बेडरूम डिजाइन किया हुआ है जो कि 12 फिट बाई 11 फिट में रहेगा। जैसे ही हम घर में अंदर इंटर होते हैं तो हमें काफ़ी अच्छी एरिया में लॉबी मिल जाती है जो कि 11 फिट 6 इंच रहेगी, 11 फिट 6 इंच बाई 10 फिट 6 इंच रहेगी। और इसके सामने हमने यहाँ पे कॉमन टॉयलेट डिज़ाइन किया हुआ है जो कि 4 फिट 6 इंच बाई 8 फिट का रहेगा, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया हमें मिल जाता है। इसी के साथ हमने इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे 3 फिट बाई 2 फिट का हमने शाफ्ट रखी हुई है। इसमें यहाँ पे भी विंडो रहेगी, एक बेडरूम में विंडो जाएगी बैक साइड में और एक यहाँ पे हमारा लॉबी के लिए भी हमने वेंटिलेशन के लिए और रोशनी के लिए यहाँ पे विंडो दे रखी है। अब इसी के जस्ट सामने हमारा हमने किचन डिज़ाइन किया हुआ जो कि 5 फिट 10 इंच बाई 8 फिट का हमें यहाँ पे किचन मिल जाता है। इसमें भी हमने इधर 3 फिट बाई 2 फिट की शाफ्ट दे रखी है जो कि किचन में भी वेंटिलेशन रहेगा पीछे बेडरूम में और हमें लॉबी में भी क्रॉस वेंटिलेशन मिलता रहेगा। और जैसे ही हम पीछे की साइड चलते हैं तो हमने बेडरूम डिज़ाइन किए हुए हैं, 2 बेडरूम, एक लेफ्ट और एक राइट। हम दोनों का साइज सेम रहेगा, 11 फिट 1 इंच बाई 12 फिट 4 इंच। इस तरफ भी आप देख रहे हैं 11 फिट 1 इंच और 12 फिट 4 इंच का हमने बेडरूम डिज़ाइन किया हुआ है। तो पीछे हमने जो है ये ओपन एरिया दिया हुआ है जो कि 9 फिट 9 इंच बाई 4 फिट रहेगा। इससे हमारे घर में पूरी तरह से जो है वेंटिलेशन होता रहेगा। एक विंडो हमने यहाँ पे दी है और एक विंडो हमने यहाँ पे दी है। और अब जो लेफ्ट साइड में बेडरूम है, इसमें हमने टॉयलेट डिज़ाइन किया हुआ है। ये हमारा 4 फिट बाई 6 फिट का टॉयलेट रहेगा। और जो राइट साइड में हमारा बेडरूम है, इसमें हमने जो स्टोर दिया हुआ है 4 फिट बाई 6 फिट का। और जैसा आप ये लाइनिंग देख रहे हैं, ये डॉटेड, ये हमारा ओपन टू स्काई रहेगा। और ये हमने पीछे विंडो और डोर के लिए जो ये पीछे का एरिया है हमारा, ताकि बारिश का पानी सीधा ना लगे, इसलिए हमने ये छज्जा दिया हुआ है 1.5 फिट वाइड छज्जा निकाला हुआ है। तो हमने प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ इस घर में जो है डिज़ाइन किया हुआ है, ताकि एक विंडो हमारी यहाँ रहेगी, एक विंडो हमारी यहाँ रहेगी, ताकि प्रॉपर हमारा जो है वेंटिलेशन पूरे घर में होता रहे। अभी इसका हमने जो है फर्स्ट फ्लोर भी डिज़ाइन किया हुआ है। इसी के ऊपर ऐसे स्टेयर हमारा ऊपर गया और हमने एक बेडरूम डिज़ाइन किया हुआ है जो कि फ्रंट में 12 फिट बाई 11 फिट। क्लाइंट को टोटल इसमें जो है 4 बेडरूम चाहिए थे, एक उनको ऊपर चाहिए था और 3 नीचे चाहिए थे। और पीछे की साइड हमने जो है ये शेड दिया हुआ है 2.5 फिट का
और इसमें हमने टॉयलेट भी ऊपर दिया हुआ है, जो सेम हमने उस तरफ डिजाइन किया हुआ था। और पीछे हमारी जो है ओपन पूरी टेरेस रहेगी। अभी कॉलम की बात करें और बीम की बात करें, तो 9 इंची बाय 9 इंची का हमने बीम और कॉलम डिजाइन किए हुए, जो कि 4 नंबर 16 mm डाया के मेन सरिये रहेंगे और 8 mm डाया 5 इंची सेंटर टू सेंटर हमारी रिंग रहेगी। ये 4 जो आप डार्क देख रहे हैं ब्लैक कलर के, ये हमने 4 16 mm डाया के सरिये दिए हुए हैं। यदि आप इसमें 12 के रखें या आप 4 मंजिल तक बनाएं, तो ये 4 16 के और बीच में भी हम 2 दे सकते हैं, वो 12 mm के रहेंगे। और जो इसके चारों साइड रिंग रहेगी वो हमारी 8 mm डाया की 5 इंची सेंटर टू सेंटर रिंग रहेगी। हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें, तो कंस्ट्रक्टेड एरिया ऑफ प्लॉट हमारा 960 स्क्वेयर फीट रहेगा और कॉस्ट ऑफ ग्राउंड फ्लोर हमारा 10 से 11 लाख के बीच में हमारा इसमें लागत आएगी। और यदि हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें, जो कि एक बेडरूम ममटी और पीछे की साइड हमने टॉयलेट डिजाइन करते हैं, तो उसमें बहुत ही कम लागत आएगी, तो वो तकरीबन हमारा 14 से 15 लाख के बीच में हमारा जो है पूरा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। यदि वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।